Welcome to my channel MBBS Radhavan Logo. This video is for NEET aspirant. NEET के लिए और कुछ घंटे ही बचे हैं. जो भी इस वक्त NEET aspirant जो भी ये वीडियो दिख रहा है उसको ये लास्ट मोमेंट में ये टिप्स मेरे तरफ से रहेगा कि ये NEET साल भर तुम अच्छा से पढ़ाई किए हो अगर तो तुम्हारी इस वक्त और कितना पढ़ रहे हो उसका कोई मायना नहीं रखता है. तो ये अभी इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने आप को कितना स्टेबल रखते हो. मतलब कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम के देते जाते हैं सिर्फ रोड पे भी कार में बैठ के एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं. फिर कोई रात भर सोते नहीं है. लॉजिक जनरल लॉजिक ये है कि एक बेसिक लॉजिक कि तुम अगर एक टायर्ड माइंड एनजियस माइंड से कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. तुम कभी प्रिपरेशन टाइम पे भी पहले प्रैक्टिस टेस्ट में भी ये एक्सपीरियंस होगा. तो अभी आराम से सो जाना. फिर सुबह उठकर आराम से खाना खा के पूरा रिलैक्स रहना क्योंकि अभी तुम कितना कॉन्फिडेंटली अपने आप को मैक्सिमम दे पा रहे हो एग्जाम हॉल पे कितना स्टेबल रख पाते हो. बस वो मेंटल प्रिपरेशन जरूरी है. पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है. अब पढ़ाई को पूरा रिड्यूस कर दीजिए और आराम से सो जाइए रात भर. और बस कितना फियरलेस बहुत इम्पोर्टेंट है. फियरलेसली जाके अपना मैक्सिमम देकर आना. एनसीईआरटी बायोलॉजी जस्ट कुछ पॉइंट जो बहुत वोलेटाइल होता है उसको अगर देखते हो तो 5-10 मिनट 15 मिनट सही है और उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अभी. और तुम साल भर प्रैक्टिस एग्जाम में जितना भी रखे हो ये नीट तुम्हारी जितना भी साल भर एग्जाम प्रैक्टिस किए हो तो ये सबसे एक्यूरेट क्वेश्चन आएगा. सबसे इजीएस्ट पेपर आएगा क्योंकि ये पूरी कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही आएगा. तो इसलिए सभी टेस्ट से इसमें आपका मिनिमम 30-20 मार्क तो ज़्यादा आ ही जाएगा. बस टेबल रहकर अपना बेस्ट दे के आना. मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम टुमारो. All the best again.